ये है दिल्ली दर्पण। कदम बढ़ाया है जो आगे तो रुकने का नाम ना लो, मत रुको तुम तब तक जब तक विजय पताका थाम ना लो। DPPL 2 यानी दिल्ली डीएवी पीतमपुरा प्रीमियर लीग का दूसरा भाग 20 और 21 अक्टूबर को लीग मैच के बाद 21 की शाम को फाइनल में पहुंची टीमों के बीच हुआ महासंग्राम। जी हां, डीएवी यूनाइटेड और मिशन टीम दिल्ली डीएवी पीतमपुरा द्वारा आयोजित हुई लीग का फाइनल मैच तिवोली के छता सिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां 15 ओवर के मैच में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अर्चित सनराइजर्स ने एलएस कैटस वॉरियर्स को 63 रन से करारी शिकस्त देते हुए लीग की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। आपको बता दें कि इस लीग के टाइटल स्पॉन्सर थे दवा बाजार, तो वहीं एसोसिएट स्पॉन्सर्स रहे तनिषा ट्रेवल लिंक और को स्पॉन्सर्स की भूमिका में कैप्सन एडवर्टाइजिंग और सा इन्वेस्टमेंट रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट मैच कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसमें स्पॉन्सर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस वक्त मेरे साथ डीएवी पीतमपुरा की जो ये लीग चल रही है, इसमें मेरे साथ स्पॉन्सर्स मौजूद है जिन्होंने पूरा योगदान इस लीग में दिया है। तो मेरे साथ दवा बाजार से आलोक जी मौजूद हैं, तनिषा ट्रेवल से मेरे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं, और इसके अलावा कैप्सन्स से मेरे साथ विशाल जी मौजूद हैं। इन तीनों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये अनुभव है ये कैसा रहता है, क्योंकि अनुभव ऑब्वियस ही बात है, जब हम काम से समय निकाल कर क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं खासतौर पर, तो अनुभव जो है थोड़ा बेहतरीन रहता ही है। आलोक जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं कि स्पॉन्सर है आप पहली चीज क्रिकेट खास तौर पे, एक तो देखो एक होता है कि डीएवियंस, मैं तो देखता हूँ कि डीएवियंस का बहुत समय से ये चलता हुआ आ रहा क्रिकेट लीग करते हैं, और स्पॉन्सर बनना कैसा अनुभव करते हैं? बहुत ही अच्छा अनुभव करता हूँ। DUCL के टाइम से ही मैंने सारे इवेंट स्पॉन्सर किए हैं, इस इवेंट में एक मैं टाइटल स्पॉन्सर हूँ। एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, 15 साल के गैप के बाद दोबारा हम खेल रहे हैं, अपने यारों दोस्तों से मिल रहे हैं, और उनके साथ जो एन्जॉयमेंट होती है, सब चीज़ अपनी बिजनेस एक तरफ भूल के सब हम लोग जब इकट्ठे मिलके खेलते हैं, बहुत ही अच्छा एन्जॉयमेंट होता है, और एज अ स्पॉन्सर तो बट ऑब्वियसली और ज़्यादा। प्रदीप जी, स्पॉन्सर हैं आप, और दूसरी चीज़ ये भी है कि क्रिकेट अपने आप में एक गेम ऐसा है कि उससे सब लोग जुड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब 1990 से लेकर 2018 तक के जो बैच के बच्चे हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं सब लोगों के साथ? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जब पुराने अपने दोस्त मिलते हैं, और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ के रखती है, और स्कूल के साथ एसोसिएशन बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी जुड़ जाती है। पहले स्कूल के साथ, हम पहले स्कूल के स्टूडेंट थे, अब उसके बाद एलुमनाई बने, फिर उसके बाद हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जब ये स्पॉन्सरशिप का मौका मिला तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है कि एक तो ब्रांडिंग होती है, प्लस डेफिनेटली स्कूल के लिए कुछ करने को मिलता है। विशाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, कैप्सन से हैं ये। विशाल जी, भारत और वेस्ट इंडीज़ का भी आज मैच चल रहा है वैसे तो लेकिन हम भारत और वेस्ट इंडीज़ के मैच को छोड़ के यहाँ अपने मैच के लिए यहाँ मौजूद हैं। अभी मैं बात भी कर रहा था दर्शित जी से, और मेरे साथ सर भी खड़े हुए थे, तो बताया कि DAV जो है वो IPL को भी अब कुछ टाइम बाद जो है वो पार करने वाला है, तो क्या वाकई ऐसा समझते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हेयर। सारे को स्पॉन्सर, स्पेशल थैंक्स टू DAV यूनाइटेड जो ये सारे प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया, जिससे हमारी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी, उससे बेटर है, हम फिट रहते हैं, सबसे बढ़िया ये है। सारे ओल्ड क्लासमेट्स हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और डेफिनेटली IPL से बेटर ही हम जाएंगे। चलिए, मैं यहाँ पर एक बार आखिरी सवाल सभी लोगों से ले लेता हूँ, एक छोटा छोटा मैसेज, क्योंकि एक एज ए स्पॉन्सर हमारे साथ प्लेयर्स भी हैं, है ना, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़े हुए जो DAV के जो आने वाले समय में खेलने वाले हैं या शायद खेल चुके हैं, उन सभी के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्रिकेट से रिलेट करके? एक एक मैसेज सभी से छोटा छोटा। बिल्कुल, मैं चाहूँगा सब लोग जुड़ें, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो DAV यूनाइटेड द्वारा बनाया गया है। मैं चाहूँगा कि सब बहुत जुड़े, बहुत ही इन्जॉयमेंट चीज़ है। सर, सबसे पहले मैं अपने से शुरू करूँगा, मैं भी शुरू ज्वाइन करूँगा क्रिकेट, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे जो टीममेट हैं वो भी साथ जुड़े। डेफिनेटली सर, हम यहाँ हैं, सब हमें देख रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं फेसबुक एंड ऑल, जरूर लोग आएंगे, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीम ओनर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हम स्कूल के लिए करना चाहते हैं, ऐसे टीम को एक ओन कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ का पर्पस है जुड़ने का, वो स्कूल के साथ जुड़ने का, क्रिकेट खेलने का, और अपने यंगस्टर्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने पुराने बैचमेट्स के साथ दोबारा से रीयूनाइट होने का, ये पर्पस मेन है। हम लोग यहाँ इस DAV यूनाइटेड से 3 साल हो गए हमको जुड़े हुए, दिस इज़ आवर सेकंड टाइम वी आर स्पॉन्सरिंग अ टीम, एंड काफ़ी लोग नए जुड़ते जा रहे हैं,
जब हमने स्टार्ट किया था तो कम लोग थे, अभी एटलीस्ट हमारे साथ जो डीएवी यूनाइटेड की जो मिशन टीम भी है उसमें करीब 17 लोग हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली हमारे एज ए एलमनी एक मिशन में काम कर रहे हैं। देखो फील तो बहुत अच्छा करते हैं, एक एफर्ट है ये हमारी टीम का कि हम फाइनल में भी पहुँचे। ये टीम हमारे जाने जाती है कि सबसे वीक टीम है, लेकिन हमारी टीम ने इतना एफर्ट डाला जिससे हम फाइनल में पहुँचे। इससे टीम ओनर की वजह से खुशी है और टीम प्लेयर की वजह से बहुत खुशी हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो नीचे से लेकर ऊपर तक के लेवल्स को बूस्ट कर रही है, जो यंगस्टर्स तो है ही हैं जो सीनियर्स हैं उनको ही बूस्ट कर रही है, उनका जो लाइफ में पैशन है उसको साथ लेके साथ चल रहे हैं। वही इस मौके पर दिल्ली दर्पण टीवी ने बात की इस लीग के ऑर्गेनाइजर नीरज वाधवा से और जाना कि आखिर लीग को ऑर्गेनाइज करने में उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। शुरू में जो हमने शुरू किया तो हम लोग सिर्फ 6-7 लोग थे जिन्होंने इस लीग को शुरू किया, हमें भी नहीं पता लगा कि ये लीग कितनी बड़ी कैसे हो गई। आज हमारे पास 2,500 लोग हैं जो खेलते हैं डिफरेंट स्कूल्स में से, जिसमें से एक ये डीएवी प्रीतमपुरा भी है जिसकी भी आपके सामने मैचेस चल रहे हैं, जो 48 प्लेयर हमारे साथ खेल भी रहे हैं आज। तो अब इसको आगे स्प्रेड करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज माउथ पब्लिसिटी से बहुत कुछ हो रहा है, फेसबुक और सोशल मीडिया हमारे साथ है ही है, और स्कूल की जो जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब हमारे साथ बहुत साथ दे रही हैं, उनकी हेल्प से और मैनेजमेंट के साथ और स्कूल के कई जो स्पोर्ट टीचर हैं वो भी सब हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो अब आई थिंक जो नेक्स्ट हम DUCL जो हम करते हैं बेसिकली विच इज दिस इज अ पार्ट ऑफ DUCL एज वेल, जो DUCL में पिछली बार हमारे 32 स्कूल थे, इस बार हमारे साथ 64 स्कूल्स हैं। इस लीग में 48 प्लेयर्स और 4 टीमों ने भाग लिया जिसमें यूनिक मास्टर्स, LS Skaters वॉरियर्स, आर्चिस सनराइजर्स और वर्टिकल स्पेसेस स्ट्राइकर्स। फिलहाल जिस तरह से लगातार DAV हर ब्रांच से लीग ऑर्गेनाइज करवा रहा है उससे वाकई ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में DAV में पढ़ चुके लोगों के मुताबिक ये लीग IPL को भी पीछे छोड़ देगी। खैर 1990 से 2018 तक के बैच के लोगों को एक साथ ग्राउंड पर यूनाइटेड होकर खेलते देखना ही दर्शाता है कि लीग DAV में पढ़ चुके लोगों के सपनों को साकार करने में सहायक जरूर रहेंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर